नमस्कार दोस्तों, चुनावी मौसम है और हर जगह जबरदस्त बौछार हो रही है। जी हाँ, बौछार, लेकिन पानी की नहीं, शब्दों की। आए दिन पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और इस काम में सबसे आगे हैं हमारे देश के स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी। अब भाषण देते देते थोड़ा सच थोड़ा झूठ, कभी कभी पूरा झूठ भी बोल देते हैं, पुरानी आदत है। लेकिन क्या इन्होंने भारत के लोगों को इतना मूर्ख समझ रखा है कि वो इतनी बेशर्मी से झूठ बोलेंगे और कोई सवाल भी नहीं करेगा? पहले देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मंगलवार को मध्य प्रदेश में टोंक में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया है। इसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का उदाहरण देते हुए कहा, कांग्रेस ने एससी एसटी से आरक्षण छीन के मुसलमानों को दिया है। और ये भी कहा कि कांग्रेस ओबीसी की सबसे बड़ी दुश्मन है, सब मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कर्नाटका में किया जा रहा है और ये हर जगह करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उच्च वर्ग के होंगे, धनी होंगे, व्यापारी होंगे, उद्योगपति होंगे, न्यायमूर्ति होंगे, कोई भी होंगे, बस सिर्फ वो मुसलमान होना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। कोई प्रधानमंत्री जी को कर्नाटका का इतिहास बताए जरा। 1918 में मैसूर के राजा कृष्णराज वडेयार ने एक मिलर्स कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने पाया कि कर्नाटका में ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व पढ़ाई और सरकारी नौकरियों में उनकी जनसंख्या के हिसाब से कहीं ज्यादा है और बाकी समुदायों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1921 में मैसूर राजा ने आरक्षण पहली बार लागू किया। आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है या धर्म के आधार पर दिया जाता है, ये कुछ बुनियादी तथ्य हैं जो कुछ लोगों को पता नहीं है। जब हम अनुसूचित जाति और जनजाति कहते हैं तो इसका मतलब है उन जातियों से जो अस्पृश्यता का अनुभव कर रही हैं और इसमें आदिवासी भी आते हैं। लेकिन बैकवर्ड कास्ट जैसा कोई आरक्षण नहीं है। जब हम ओबीसी कहते हैं तो इसका मतलब है अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग। हंसराज गंगाराम अहिर, जो कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन हैं, जिन्होंने ये कहा कि कर्नाटक में क्यों सब मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डाला हुआ है। यहाँ पे भी मुसलमानों को जाति या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि एक वर्ग के रूप में वो समुदाय जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है, उस रूप में आरक्षण दिया गया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हंसराज गंगाराम अहिर बीजेपी के नेता हैं। तो कर्नाटक में आरक्षण की शुरुआत कब हुई? नालवडी कृष्णराज वडेयार के समय में 1921 में। भाजपा ने इसी वडेयार रॉयल खानदान के एक मेंबर यदुवीर वडेयार को मैसूर से लोकसभा का टिकट भी दिया है। तो क्या मोदी जी को इतना नहीं पता होना चाहिए था? नालवडी कृष्णराज वडेयार, जिन्होंने ब्रिटिश समय में ही इतना बड़ा प्रगतिशील कदम उठाया, उनके समय से ही कर्नाटक में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया गया था और उसी समय से ही मुसलमानों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई, क्योंकि वे भी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय थे। आज़ादी के बाद भी 1961 में जब राज्य सरकार ने नागनगौड़ा समिति का गठन किया तो सिफारिश की गई कि मुस्लिम समुदाय को पिछड़े वर्ग के तहत आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसे जारी रखा गया। बाद में देवराज अर्स के शासनकाल के दौरान 1975 में हावनूर आयोग नियुक्त किया गया, जिसने पिछड़े वर्गों के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षण की भी सिफारिश की। बाद में 1990 में चिन्नप्पा रेड्डी आयोग नियुक्त किया गया, तब भी यही सिफारिश जारी रही और ग्रुप बी के तहत मुसलमानों को 6% आरक्षण दिया गया। मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केवल 50% आरक्षण होना चाहिए और मुसलमानों के लिए 6% आरक्षण को घटाकर 4% कर दिया गया। उस समय कौन था मुख्यमंत्री? जी, HD देवेगौड़ा, JDS के अध्यक्ष और आजकल मोदी जी के करीबी। 2023 में बसवराज बोम्मई की भाजपा सरकार ने अवैज्ञानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की असफल कोशिश की,
जिसके तहत उन्होंने इस आरक्षण में कटौती करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्राइमा फेसी शेकी एंड फ्लॉड है, मतलब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और इस पे रोक लगाने का आदेश किया। यह वास्तविकता है। अब कर्नाटका में मुस्लिम आरक्षण कब शुरू हुआ? लालवडी कृष्णराज वडेयार के समय। इसे जारी किसने रखा? कर्नाटक पर शासन करने वाली सभी सरकारों ने। जब इसे दो बार संशोधित किया गया तो कौन शासन कर रहा था? देवराज अर्स और एचडी देवेगौड़ा। और आज मोदी जी क्या कह रहे हैं? ऐसा लगता है कि कर्नाटका में मौजूदा कांग्रेस सरकार मुसलमानों को आरक्षण दे रही है, पिछड़े वर्गों का आरक्षण छीन के, एससी एसटी का आरक्षण छीन के, ऐसा मोदी जी का कहना है। हमने आपके सामने सब तथ्य रख दिए हैं। ये आदमी देश का प्रधानमंत्री है, जिसे ये भी नहीं पता कि एससी एसटी आरक्षण पर कोई भी अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल संसद को है। पिछले 10 साल में भाजपा और मोदी सरकार के पास दिखाने के लिए कोई भी उपलब्धि नहीं है, तो अब कांग्रेस के घोषणा पत्र पर झूठ बोल के वोट मांग रहे हैं, लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं। ना तो वे इतिहास जानते हैं, ना ही वर्तमान, और अगर भविष्य भी इन्हीं के हाथों में रहा तो इस देश के काले दिन निश्चित हैं। इसी तरह के वीडियोज़ और चर्चाओं को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए edina.com। ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು edina.com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।